अपनी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धंधे के लिए सही वो सही, सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। रॉ एजेंसी कर्नल को पठान के पास ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर रॉ चीफ कहती है कि सैम को पहले लाओ, जिसके बाद पठान कहते हैं यहाँ कोई बिजनेस चल रहा है जो लेन देन कर रहे हो आप पहले कर्नल को मुझे सौंप दो, तुम्हारा सैम तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन रॉ चीफ मना कर देती है, जिसके बाद सैम और कर्नल दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। पठान कर्नल के साथ अपनी कार में बैठकर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो निकलता है रॉ चीफ उसे फोन करती है और उसे बताती है आपकी कार के नीचे एक बम रखा गया है, अगर आप अपनी कार की स्पीड धीमी करते हैं या कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो बम फट जाएगा और कार के साथ साथ आपके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहकर रॉ चीफ फोन रख देती है और सैम को अपने साथ ले जाती है। तो पठान उन्हें फिर से फोन करता है और इस बार पठान कहता है अब अगर आपने कार की स्पीड धीमी कर दी या कार के नीचे उतरने की कोशिश आपने करी तो आपकी पूरी टीम आपके साथ मर जाएगी, क्योंकि मैंने आपकी कार के साथ साथ ना पूरी रॉ की टीम के कार के नीचे बम लगाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने अपना प्लान सेट रखा पहले से। अब अगर आपको और आपकी टीम को बचना है और सैम को भी बचाना है तो पहले आपको अपने इस बम को डिफ्यूज करना होगा। जी आप पठान से होशियारी करोगे तो ऐसा ही कुछ होगा ना। तब वो कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, ये तो एक टाइम बम है। जिसके बाद पठान बोलता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये एक रिमोट बम है, आपकी योजना थी कि आप दुबई में अपने एक आदमी को इस बम का रिमोट देकर मुझे मार दे ताकि कोई ये ना कह सके कि इसमें रॉ का या इंडिया का कोई हाथ है, तो अब आप अपने उस बम को डिफ्यूज करो। और तब ये सुनकर रॉ बम को डिफ्यूज कर देता है, जिसके बाद पठान अपनी कार से उतरकर सबसे पहले उस बम को निकालता है, जिसके बाद थोड़ी दूर जाकर रॉ एजेंसी की गाड़ी पर लगे बम को भी डिफ्यूज कर देता है। अब उसके बाद पठान कर्नल से अपना हिसाब चुकता करता है और कर्नल को काफी टॉर्चर करता है और उसे अधमरा कर देता है। कर्नल पठान से पूछता है कि तुम मुझे एक बार में क्यों नहीं मार देते हो, तब पठान कहता है कि मैं इतने सालों से दर्द में जी रहा हूँ और तुम्हें उस दर्द का एहसास भी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। जिसके बाद पठान ने कर्नल के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले पठान कर्नल को गोली मार देते कर्नल ने ही पठान से कहा मेरी मौत एक अंत नहीं, मेरी मौत एक बड़े खेल की शुरुआत है। पठान पूछता है किस तरह का खेल, तब तक कर्नल बिना कोई जवाब दिए पठान की बंदूक का ट्रिगर दबा देते हैं और वही मर जाते हैं। लेकिन जाते समय वो एक बड़ा रहस्य छोड़ जाते हैं। अब ये रहस्य क्या है ये तो हमें इस पाय यूनिवर्स के एंड गेम में ही देखने को मिलेगा ना, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं अंजलि लौटूंगी एक बार फिर से इस कहानी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आप लोगों तक। और हाँ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से बॉलीवुड स्टूडियोज को दोस्तों। और अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो बॉलीवुड स्टूडियोज लाया है आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जॉब लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।